सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको सफ़ेद दाग है, विटिलिगो की बीमारी है। तो फाइनली दोस्तों 10 महीने बीत चुके हैं और आज फिर से काफ़ी टाइम बाद आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो फिर से आपके लिए बनाया जाए जिसमें मोटिवेशन भी हो, साथ में सफ़ेद दाग की जो बीमारी है जिसका इलाज अब असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से। तो इस टॉपिक पे विस्तृत बात कर लेते हैं आज फिर से। तो सबसे पहले जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, जो भी सफ़ेद दाग, विटिलिगो, जिनको भी स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले चैनल पे जाइए। और जो 10 मंथ पहले फर्स्ट वीडियो आया था मेरा, वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसको वॉच कीजिए ताकि जो भी बंदे आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो भी इससे समस्या से जूझ रहे हैं विटिलिगो की, और उनको डीमोटिवेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि विटिलिगो सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों 10 महीने पुराना वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखने के बाद आज का वीडियो आप देखिएगा। तो उस वीडियो में जैसा कि जो पहले वाले दर्शक हैं उनको पता है और जो काफ़ी पेशेंट ठीक हुए उनके आप कॉमेंट पढ़िए, पॉजिटिव कॉमेंट, ताकि आपको पता चले जिसको लाखों लोगों ने देखा है और उससे हज़ारों की संख्या में कमेंट आए हैं। और कमेंटों में आप पढ़ेंगे दोस्तों तो काफ़ी जो पेशेंट है, जो जिनको रिकवरी हुई है सफ़ेद दाग की समस्या से, वो उनके पॉजिटिव कमेंट पढ़ने के बाद आपको भी एक अलग फीलिंग आएगी और आपको भी लगेगा जो भी समस्या से पीड़ित है कि इसको बड़ी आसानी से और सरल तरीके से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें कि मेरा जो ये लिप और यहाँ जो स्किन गाइज और यहाँ की स्किन और जो ये मेरा फिंगर है ये वाला, ये पूरा वाइट हो चुका था, तो वो अब बिल्कुल ठीक है। और ट्रीटमेंट भी 2 से 3 मंथ का ट्रीटमेंट था, उसके बाद अभी तक फिर से कहीं पे भी ना ये स्किन पे, बॉडी पे कहीं पे बढ़ा है और ना ही ये जिस तरीके से बढ़ा था उसी तरीके से अब ठीक हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और एक्चुअल में बात करें दोस्तों ये बीमारी नहीं है, एक तरीके से इसको बोले तो कि इसके से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है हमारे को, लेकिन जो हमारा फेस इसका जहाँ पे भी ये होता है वहाँ की जो अपना रूप है उसको कुरूप कर देता है, स्किन के कलर को बिगाड़ देता है। और ये सब होता है इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, मेलानिन तत्व जो हमारी बॉडी के अंदर ये स्किन का कलर होता है, त्वचा का रंग होता है, इसको बनाने का काम करता है, जब वो रंग बनाना बंद कर देता है तो उसके बाद ये बीमारी जो जिसको हम सफ़ेद दाग बोलते हैं बढ़ने लगता है। तो जो मेरा पर्सनल अनुभव है इस बीमारी पे वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों बातें काफ़ी हो चुकी है और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको विश्वास होगा और आप भी फिर से जो भी इस बीमारी से पीड़ित है वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये देखे दोस्तों फाइनली आज मैंने भी एक तांबे की बोतल, पहले जो लोटा था उसी से मैं काम चला रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना बोतल मंगा ली जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें पानी भी सेफ रहेगा और 24 आवर्स इसमें रख सकेंगे। और दूसरा जो ये कॉपर की बोतल है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि कोई मिट्टी वगैरह ढकने के बाद भी कभी कम ढकना भूल जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ढक्कन लगा हुआ है, तो इसके पानी को अब मैं डेली यूज करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों सफ़ेद दाग जो है हो सकता है फ्यूचर में कभी फिर से होने लगे। और जो तांबे का पानी है ये आपको वैसे पता होगा, हमारे प्राचीन समय में हमारे जो घरों के अंदर तांबे के लोटे का, जब हम पानी पीते थे तांबे का लोटा ही रखा होता था, उसी का पूरा परिवार पानी पीता था, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको ये ख़त्म कर देता है पानी से, और बहुत ही अच्छा पानी शुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हमारी बॉडी को बेनिफिट देता है। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, पेट संबंधी और बाकी स्किन की तो ये ठीक करता ही है। दोस्तों इस तरीके से तांबे की बोतल लेनी है आपको और इसी का पानी यूज में लेना है। और नेक्स्ट
जो बाकुची बीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि बाकुची पाउडर आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, क्योंकि ये मेरे पर्सनल अनुभव है, मेरे जो निजी विचार और मैंने जो फेस किया है इस बीमारी को, उसके ऊपर मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, ताकि लोग मोटिवेट भी हो सके और जिस तरीके से फिर से एकदम से स्वस्थ और जो डिप्रेशन होता है उससे निकला हूँ, वैसे हर बंदा निकल सके और वो भी फिर से एक अच्छी जीवन जी सके। तो बाकुची का पाउडर आप खरीद लीजिए, बीज अवेलेबल ना हो, क्योंकि हो सकता है बीज के अंदर मिलावट हो, तो उसको जो जानकार होता है वही बता सकता है देख के, क्योंकि कुछ अदर बीज वगैरह भी मिले हों, ऐसा हो तो हो सकता है नुकसान करे। तो जिसको इसकी परख नहीं है वो बाकुची पाउडर ही यूज करें, और खदीरा रिस्ट पिगमेंटो टैबलेट और बाकुची ऑयल और तांबे के बर्तन का पानी, ये दोस्तों रामबाण है, यकीन मानिए। एक समय के बाद अगर स्टार्टिंग है विटिलिगो की, तो एक समय बाद आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा लेंगे और आपका जो पैसा है वो भी बच जाएगा और आपके जो साइड इफ़ेक्ट होने हैं उससे भी आप बच जाएंगे, क्योंकि स्टेरॉयड वगैरह है जो अदर चीज़ें हैं, जब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से अगर इलाज हो रहा है तो मेरे को लगता है उचित है और इसी को मैं अपनाना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी आयुर्वेद में समय लेती है, लेकिन जब उसका इफ़ेक्ट होता है तो उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो गाइस, हर इंसान के लिए एक मुश्किल भरा समय होता है जब ये स्किन डिजीज होती है, तो काफ़ी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो यार डिस्टर्ब नहीं होने का है आपको। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो उस पर काफ़ी कॉल आते हैं दोस्तों देश विदेशों से, इंडिया से, तो उसका भी मैं काफ़ी बार पिकअप नहीं कर पाता हूँ, मैसेज रिप्लाई करने में भी देर हो जाती है, तो समय का अभाव होता है दोस्तों। अभी कस्टमर नहीं है शॉप के ऊपर, सुबह कस्टमर होते हैं अपनी शॉप है यहीं पे ये, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप रिप्लाई टाइम पर नहीं करते हो, तो गाइज होता है क्या है कि इतने कस्टमर होते हैं, अगर मैं आपका ही रिप्लाई करने लग जाऊँ तो हो सकता है कि जो मेरा काम है वो बंद हो जाएगा, तो इस वजह से देरी होती है। तो भी पॉजिटिव रहिए और कोशिश करते रहिए, और आज से एक नई शुरुआत कीजिए, और कभी भी आपको ऐसा महसूस हो, आप अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो मेरे वीडियो देखिए, सारी डिटेल को मेरे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से बात कीजिए, आपके सारी जीव भी आपकी आप डिसअपॉइंटेड है, निराश है, सारी निराशा चुटकियों में दूर हो जाएगी, और ये आप फॉलो करते रहिए और मेरे कहने से डॉक्टर से भी मिलते रहिए। बाकी जब तक हम किसी एक चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे, उस पे उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक इधर उधर भटकते रहेंगे, तो कोई भी दवा आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, और आयुर्वेद का जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप भी फिर से इस बीमारी से मुक्त हो सके और अच्छा जीवन जी सके। तो आज का था ये मोटिवेशन, प्लस आपको छोटी सी जानकारी, काफ़ी दिन हो गए थे, तो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने तरह के जो पेशेंट हैं, बंदे हैं, फिर से एक बार पॉजिटिव हो सके और उनके जीवन में जो निराशा है उसको वो त्याग के और फिर से एक नई राह पे निकले और एक नई कोशिश करेंगे वो, ताकि वो भी मेरी तरह फिर से स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।